गली गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा यात्रा चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब देश जुड़े, अब नहीं तो कब, 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 अब नहीं तो कब। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली, भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली।
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुन कर निकले हैं इस देश ने दिया
गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा, यात्रा चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा तब। अब नहीं तो कब, 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 अब नहीं तो कब। चली भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली भारत की गली गली, भारत जोड़ो यात्रा, चली भारत की गली गली, भारत जोड़ो यात्रा, चली जोड़ो।
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया
गली गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा, यात्रा चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में तो कब, अब नहीं तो कब,
मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया मेरा नाम विमलेंदु झा है और मैं पर्यावरण के इश्यूज पे काम करता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत ही अच्छी पहल है कि भारत एक देश है, भले ही इसके अंदर बहुत सारे स्टेट के बाउंड्रीज हो, भले ही भांति जाति के, भांति रिलीजन के, भांति क्लास के लोग यहाँ पे रहते हों, हमें चाहिए कि हम एक ऐसे जुड़े हुए भारत का निर्माण करें ताकि हम सब लोग समृद्ध हों। मेरा इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का मेन मकसद यह है, माहौल सुधरना चाहिए। माहौल में टॉक्सिसिटी है, उसी तरह पर्यावरण भी सुधरना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में भी बहुत कचरा है, बहुत ही टॉक्सिसिटी है। ये यात्रा यमुना के ऊपर से गई, यमुना कंप्लीटली काली थी। हमने प्रदूषण को नॉर्मलाइज कर दिया है, हमने टॉक्सिसिटी को नॉर्मलाइज कर दिया है अपने एयर में और अपने माहौल में, अपने समाज में, और इसका विस्थापन, इसको कंट्रोल करना और इसको जीतना बहुत आवश्यक है। मेरी जो बातचीत राहुल जी से आज सुबह हुई वो यही हुई कि वो माहौल सुधारने के बारे में तो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर चर्चा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जब हम माहौल सुधारेंगे तो पर्यावरण भी सुधरेगा। और अभी जब भी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, जब भी हम अपनी आवाज उठाते हैं, जो कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है, हमें राष्ट्र विरोधी या फिर सरकार विरोधी या फिर ऑलमोस्ट एक फ्रिंज माना जाता है, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर एक भारत की परिकल्पना आप करते हैं, एक स्वस्थ भारत की परिकल्पना करते हैं, एक शांत भारत की परिकल्पना करते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़िए।
मैं उमेर खान बिहार में गया का रहने वाला हूँ, बौद्ध की नगरी का। कांग्रेस के AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल ऑफिस बियरर हूँ। भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, आज जो हालात बने हैं मुल्क के, और कुछ बचा नहीं था। इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है। वोट के महत्व को यहाँ के लोगों ने नहीं समझा। जब एक इंसान अपना वोट देता है तो उसी वोट पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका और उसके पूरे परिवार का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन निर्भर करता है। 2014 के बाद नकारात्मक सोच वाले लोगों ने मुल्क को आर्थिक संकट में ला दिया, समाज में नफरत पैदा कर दी। PM साहब का जहां विजिट होगा, सुदूर एरिया में सड़कें बन जाएंगी, ओवरनाइट बिजली चली जाएगी, मगर आम जनता के लिए न रोजगार के बारे में सोचा जा रहा है, न एजुकेशन के बारे में सोचा जा रहा है, न हेल्थ केयर के बारे में सोचा जा रहा है। सोशलिज्म है बची पिछले 8 साल में। 45% संपत्ति को बेच दिया मोदी जी ने। अडानी को धनी मनी किसने बनाया? हमारे पैसे से अडानी धनी मनी बना। हजारों करोड़ रुपया उनका लोन माफ करवा देती है सरकार। तो मुल्क आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहा है। जब संसाधन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज द राइट टाइम टू हिट द डेक। सड़क पर उतर कर आपको हल्ला बोलना पड़ेगा। सच्चे निस्वार्थ नेता के साथ चलो और मुल्क को बचा लो, इसके संविधान को बचा लो, अपने फ्यूचर को बचा लो। और मैं तमाम नौजवान से यही कहता हूँ, इस मुल्क को बेहतर देखना है, इसके सुंदर संविधान को बचाना है। आओ सच्चे गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा में साथ दो। डेमोक्रेसी बचेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, तभी सियासत होगी, तभी समाज का विकास होगा, तभी देश सशक्त होगा। सहर सहर विश्वकर्मा है, कोरा कोरम अभिमन्यु मोर भीम अर्जुन घर घर मा है। नमस्कार, मैं हिमानी वासनिक, मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव वहां की मैं रहने वाली हूँ। मैंने 5 years लॉ किया हुआ है। बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, फोक सिंगर हूँ। तो मैं अभी प्रेजेंट में छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को लेकर चलती है। मुझे ऐसा भारत चाहिए जहाँ पे संविधान गवर्न करे, ना कि कोई मनुवादी शक्तियाँ गवर्न करे। मैं और मेरी एक फ्रेंड छत्तीसगढ़ से आई हुई है, तो हम दोनों केरला से कर्नाटका एक महीना बिना भारत यात्री बने हम लगातार चढ़ रहे थे। हमारा डेडिकेशन देख के फिर सबको लगा कि इनको अंदर आना चाहिए, तो वापस से फिर हमारा फॉर्म निकाल के हमको अंदर लिया गया। तो वो मेरे लिए बहुत सुखद पल था जब हमको भारत यात्री बनाया गया। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि मैं हर पल अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और मैं सबको मिस कर रही हूँ, बहुत याद करती हूँ। पर इस यात्रा का कॉज इतना बड़ा है कि मुझे पूरा करना है, और महंगाई, बेरोजगारी और हमारे जो देश में सांप्रदायिकता फैला दिया गया है, उस कॉज के लिए जब हमारा लीडर चल रहा है, तो इस यात्रा से आके निश्चित ही इसको यात्रा को राजनीतिक रूप से ना देख कर वो आए और थोड़ा सा इस यात्रा में अपनी सहभागिता निभाए, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो, 2 घंटे के लिए, और वो निश्चित इस यात्रा में चलें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो आके मोर हृदयला अभील दग दग सादा है, तहू जियो औ हमु जियन, बस ये ही हमरे आशा है। शुरुआत 4:30 बजे उठना पड़ता है, थोड़ा सा तैयार हो जाता हूँ और शॉल बैग टोपी उठा के मैं निकल पड़ता हूँ। एंड वी आर ऑलवेज शार्प ऑन टाइम, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम सचिन राव है, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में ट्रेनिंग इंचार्ज के रूप से मुझे इजाज़त दी गई कि मैं भी चलूँ साथ में। आई वाज क्वाइट एक्साइटेड। सुबह ऑफकोर्स सबसे पहले हम झंडा वंदन करते हैं। जोड़ो जोड़ो। कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी तक मैं पहुंचा, वो सत्य को कबूल करके उसके आधार पे चलने का हिम्मत, ये मेरे लिए आइडियोलॉजी है। जनरली हम राहुल जी के आगे चलते हैं, ढाणियों से जाते हैं, गाँव से जाते हैं, बहुत सारे लोग सड़क पे होते हैं जो हमें ग्रीट करने आते हैं, स्कूल्स भी बाहर निकलते हैं, गांव वाले बाहर निकलते हैं, कार्यकर्ता बहुत जगह एकत्रित होते हैं। एक तो उनका हौसला बढ़ाना, जोड़ो जोड़ो,
दूसरा वो इतने खुशी से हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा उनको आनंद देना, धन्यवाद बोलना, राम राम का बोलना। क्या नाम है गांव का? कल्याणपुरा। मैं भारत यात्री यात्रा में चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जी जी जी, राम राम, ख्याल रखिए। फिर हम आते हैं रेस्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे हम लगभग 9:30 तक पहुँच जाते हैं, तो 3:30 बजे तक रहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आराम करते हैं। मैं एक किताब भी ले आता हूँ, जनरली कुछ रीडिंग कर रहा हूँ तो किताब ले आता हूँ, कुछ अन्य कामों का मीटिंग्स है तो इस टाइम पे स्केड्यूल कर लेता हूँ। 3 से 5 का जो वॉक होता है, यू नो, वार्म्ड अप होते हैं, और इस मौसम में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ठंडी भी नहीं होती, और हम आगे चलते हैं तो लोग सारे मोबिलाइज होते हैं, बहुत सारे लोग सड़क में मिलते हैं। ग्रेट वॉक, मतलब वो बिल्कुल इस देश को ग्रहण करने का एक एक्सपीरियंस उस टाइम में मुझे होता है। जब हम इस यात्रा के बारे में समझते हैं तो 25-25 किलोमीटर रोज चलना, रोज सुबह उठ के शाम तक, आसान काम नहीं है। ही इज लिटरली ग्लोइंग विद लव, ही इज बिकम एन इंजन दैट गिव्स लव टू अदर। आई थिंक दिस हैपेंस रेयरली इन ह्यूमन काइंड। आई जस्ट फील वेरी वेरी प्रिविलेज्ड to walk and know this man. So, दिन के अंत में मैं थोड़ा राइटिंग करता हूँ रोज। बहुत पावरफुल डे था, लाइक ऑल डेज। गांव वाले जो बाहर निकलते हैं, जस्ट उनकी आंखों में एक खुशी है, आनंद है, एक सहजता है, तो वो मुझे बहुत उसने प्रेरित किया आज। I know the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. मैं श्याम सुंदर जानी, मैं गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र तभी सफल होता है जब उसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात हो। तो भारत जोड़ो यात्रा उस इंक्लूसिवनेस के लिए पब्लिक से कनेक्ट होने का एक जमीनी प्रयास है, वो जो एक डेमोक्रेसी की जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने का प्रयास वो कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक नागरिक की तरफ बात जाए, ये मैं उम्मीद रखता हूँ इस यात्रा से, कि नागरिकता निर्माण शिक्षा का प्रमुख ध्येय है, मैं एक शिक्षक हूँ, और लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि हिंदुस्तान तभी मजबूत हो सकता है। मैं लगभग 10 मिनट राहुल जी के साथ में चला, कि एक शिक्षक के रूप में और एक किसान परिवार से निकल करके मैं यूएन के प्लेटफॉर्म तक गया, तो उसमें मैं खुद में क्या बदलाव देखता हूँ और क्या होना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन सा पौधा है, इसका क्या यूज है, खेजड़ी का क्या यूज है। जिस तरह से उन्होंने सुना, उससे मुझे जो बात महसूस हुई, तो मुझे एक चीज जो बड़ी खास लगी और जो मुझे अपीलिंग और टचिंग लगी राहुल जी में, न केवल बहुत सारी चीजों की समझ रखते हैं, अपितु वो लगातार उस समझ और को संवेदना के साथ में, जिज्ञासा के साथ में, मतलब बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मुझे उनका ये पर्सनैलिटी टाइप लगा। वो न केवल हमारे जंगलों को देखने के लिए आएंगे, अपने स्तर पे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस ऐसे समाज में जो कि इतना विविध समाज है, उसमें एक ऐसा लीडर जिसमें बहुत अटमोस्ट हम्बलनेस हो, वही इस देश का भला कर सकता है, चाहे उसकी पार्टी कोई भी हो। मैं ये संदेश देना, देखो हम एक नागरिक हैं, हमारा लोकतंत्र की मजबूती की प्रक्रिया में हिस्सेदारी जरूरी है। आम आदमी को हक तभी मिलेगा जब पूरी की पूरी जमात जब यहाँ से जागरूक होगी, रोशन होगी। इस नाते यात्रा जो है वो भारत की यात्रा है, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इन मुद्दों पे बात करने वाली इस यात्रा का हिस्सा बने। दोस्ती सबसे बढ़िया, और एक दोस्त मेरा निरंजन छोटे भाई के रूप में मिला, जो पहले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर की जो पंक्ति थी, आज मेरा मानना है उनकी पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया। चलते हुए जो लोगों के साथ भाईचारा प्रेम प्यार बांटते हुए चल रहे हैं, अपनी बात नहीं लोगों की बात सुन रहे हैं, और सुन के देश को जोड़ने के लिए और एकता अखंडता में बांधने के लिए इस यात्रा को चलाए हुए हैं। आज वो हमारे को देखने को मिल रहा है, वो कितने अच्छे इंसान है और कितने मजबूत इंसान है। उनको वैसे मैं मिस भी करता हूँ अपने परिवार फैमिली को, पर वो जिस प्रकार मेरा हौसला और जज्बा बना के रखता है, मैं उनको सलाम करता हूँ। माय नेम इज सुनीति संग। I think in India today we are once again fighting a battle of right against might, and we must all associate with
the truth. जब आंधी आती है ना कहते हैं कि तो एक दूसरे का हाथ थामने का टाइम आता है. The beauty of oneness, the beauty of let's stand up against hate. तो यहाँ जो ऊर्जा है इस यात्रा की वो आपको हर थकान, हर डिस्टेंस सब कुछ भुला देता है. हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे. हम देखेंगे. This diviziness, this polarization should go. Always believed in a dialogue, which is a two-way traffic and not one ki baat. This walk seemed very symbolic. How do we integrate every part of the country into one Bharat? And I think if we do that, we will be very strong. So India has to go from collection mentality to production mentality. And I hope more people join because the battle against hate is critically important. I stood before the mirror and looked at myself and asked myself a question. The time when the country needs you. So I heard a voice from within. Kamal, Bharat, todne ki madad mat karo, chhodne ki madad. जब तूम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलो और कांपोगे नहीं, तब तुम जान पाओ कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हारने में.
सब मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ है हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दिया चलेगा
दर्शन मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया। बेरोजगारी से बच्चा लड़ाएंगे।
बीती है गली गली, परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा भारत जड़ा, यात्रा चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम, चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम, हाथ जुड़ेंगे जब देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा तब, अब नहीं तो कब, 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 चली भारत जोड़ो यात्रा, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा, चली भारत की गली गली,
¡Gracias!
गली गली परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा। मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है। हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, राहुल गांधी जिंदाबाद। कुछ जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो। युवा और किसान जुड़े हैं आपके बीच में, राहुल गांधी जी पहुंच गए हैं, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी आ गई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच में आ गए हैं, हमारे पीसीसी के प्रधान चौधरी उदयपान जी आपके बीच में आ गए हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि राहुल गांधी जी का जोरदार तरीके से स्वागत करें। आदरणीय वेणुगोपाल जी हमारे बीच में, उनका जोरदार स्वागत है। भाई भूपेंद्र जी, भाई रणदीप सुरजेवाला जी का यहाँ पे स्वागत है। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। सबकी निगाहें तुझ पे टिकी हैं, सबकी निगाहें तुझ पे टिकी हैं, कदमों का तेरे सस्ता सस्ता, जलवा जलवा
राहुल का जलवा। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। इस ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा में बब्बर शेरों और बब्बर शेरनियों के सरदार श्री राहुल गांधी जी हमारे बीच में हैं। भारत जोड़ो यात्रा अंबाला पहुंची, अंबाला से मुलाना विधानसभा क्षेत्र में मोड़ा पहुंची। हम उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। जोड़ो जोड़ो श्री राहुल गांधी। हमारे बीच में आदरणीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय श्री हुडा उदय भान जी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुडा जी, आदरणीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी, मंचासीन विभूति आप सबके सामने हैं। लेकिन सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी पड़ रही है क्योंकि आगे कार्यक्रम श्री राहुल गांधी जी के और भी हैं, तो समय के अभाव के कारण मैं सीधे शेरों के शेर बब्बर शेर श्री राहुल गांधी जी को प्रार्थना करता हूं कि वे हमारे समक्ष आएं और अपने शब्द अपना विवेक से हमें मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। जोड़ो जोड़ो। Local MLA sir, thank you so much sir, thank you so very much. Bedji sir, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो स्टेज पे बैठे हैं, हमारे प्यारे कार्यकर्ता शेर और शेरनिया, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आपने इतना प्यार दिखाया, 25 किलोमीटर आप हमारे साथ चले, सर्दी में चले, इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और हरियाणा की जनता जिसने हमें जबरदस्त रिस्पांस दिया है, जिसने इस यात्रा को अपनी यात्रा बनाया है, खास तौर से जो हमारे युवा हैं, माताएं और बहनें हैं, आप सबको मैं दिल से अपना प्यार और धन्यवाद करना चाहता हूं। यात्रा शुरू हुई थी तो हमारे जो प्रेस के मित्र हैं उन्होंने कहा कि केरला में अच्छा रिस्पांस है, उत्तर भारत में यात्रा को रिस्पांस नहीं मिलेगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में नहीं मिलेगा।
कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक पहुंचे तो केरला से बेहतर रिस्पांस कर्नाटक में मिला। फिर मीडिया ने कहा कि भाई कर्नाटक में मिल गया रिस्पांस, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। मेरा महाराष्ट्र पहुंचे, कर्नाटक से बेहतर रिस्पांस। उसके बाद कहते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, नॉर्थ इंडिया है, वहां पे तो सवाल नहीं उठता। वहां पे लाखों लोग आ गए बाहर सड़कों पे, गांव के गांव, शहर के शहर बाहर आ गए। फिर कहते हैं हां मध्य प्रदेश में रिस्पांस मिल गया, हरियाणा में नहीं मिलेगा। और हरियाणा ने बाकी सब प्रदेशों को दिखा दिया कि हरियाणा क्या है और हरियाणा क्या कर सकता है। और जो हमने नफरत मिटाने की बात की, डर मिटाने की बात की, वो सचमुच हमें इन सड़कों पे आपने दिखाया है। इस यात्रा में किसी ने गलत तरीके से किसी से बात नहीं की, कोई गिरा चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही गिरा, यात्रा ने उस व्यक्ति को अपने गोद में लिया। किसी ने नहीं पूछा भाई तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन सी जात के हो, ना। जैसे ही कोई गिरा वैसे ही पूरी यात्रा ने, हिंदुस्तान ने उसको अपना माना, उसको उठाया, पानी पिलाया, अगर पट्टी की जरूरत थी पट्टी की, और फिर कहा चलो चलो हमारे साथ चलो। यह आपने दिखाया हमें, और यह नई चीज नहीं है। यह आपका जो प्रदेश है ये सदियों से देश को यही दिखा रहा है। महाभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है, जो उस समय लड़ाई थी। बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, मगर जो उस समय लड़ाई थी वो ही आज लड़ाई है। लड़ाई किसके बीच में है? नहीं, देखिए पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे, ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है क्या? उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल, इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। एक तरफ तपस्वी थे, पांच थे, दूसरी तरफ संगठन था। एक तरफ पांच तपस्वी और भीड़, उनके साथ
पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। जैसे यहां पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये। पांडवों ने भी, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले, समझते हैं ये। भैया कैमरा इस साइड मत दिखा देना, फंस जाएंगे। गलती से भी मत दिखा देना। कौरव कौन थे भैया? कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के दो तीन सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। भाइयों और बहनों, नोटबंदी किसने करवाई? गलत जीएसटी किसने लागू की? किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई, ये आप समझिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के दो तीन अरबपतियों की शक्ति ने, इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। ये देश, भाइयों और बहनों, ये देश तपस्वियों का देश है। मुझे कहा जाता है, मुझे किसी ने कहा, आप 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा तो क्या हुआ, मैंने क्या बड़ी बात कर दी? अगर आप जाओ और इस देश के किसी भी किसान से पूछो, भाई पिछले 4 महीनों में आप कितने किलोमीटर चले हो, वो आपको बता देगा 3000, 4000, 5000 किलोमीटर चला हूं। हां, कन्याकुमारी से दिल्ली नहीं चला हूं, मगर अपने खेत में चला हूं, मंडी गया हूं, मंडी जाकर वापस आया हूं, फिर मंडी गया हूं, फिर वापस आया हूं, खाद खरीदने गया हूं, बीज खरीदने गया हूं। मैंने क्या बड़ा काम किया? कुछ नहीं। किसी भी मजदूर से आप पूछ लो, आपको बताएगा 24 घंटा मैं सर पर बोझ रख के आगे पीछे चलता जाता हूं। वो ये जो घड़ी है ना, फिटबिट वाली, ये जो मैं पहना हूं, जो किलोमीटर दिखा देती है, वो नहीं पहनता है।
इसलिए उसको शायद पता नहीं लगता कितने किलोमीटर चला है। हमारे साथ यात्री चले, मुझे कहते हैं भैया 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा भैया तुम्हें खाना मिला आज सुबह? भोजन खाया तुमने? कितने बार भोजन खाया? 3 बार खाया ना। तो वो जो चल रहे हैं आधी रोटी खा रहे हैं और तुम क्या बड़ी बात कर रहे हो? वो आधी रोटी में 3000 किलोमीटर चलते हैं, तुम भरपूर खाना खा के 3000 किलोमीटर चल के छाती फैला रहे हो, क्या मतलब है इसका? फिर ये मेरी टी शर्ट के पीछे पड़ गए। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, नहीं उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी केरला में, काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी, और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड, जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी, और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात मत बोलो, ये फिर से आप गलत बात बोलना शुरू कर दे हो। महात्मा गांधी नहीं हूं मैं, आप नहीं सुनो, ये मेरे जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं, ठीक है, करोड़ों लोग हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे काम कोई कर रहा है, तपस्या कोई कर रहा है। जैसे मैंने पांडवों की बात की, यहां पे युद्ध हुआ था, हजारों लोग मरे थे, वो क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में जो काम कर रहा था, जो तपस्या कर रहा था, उस समय किसान थे मजदूर थे, आज किसान हैं मजदूर हैं छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं। आज हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाने वाले लोग आए, आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है देखो इनकी, 100-200 लोगों को ये रोजगार देते हैं, ये तपस्या करते हैं 24 घंटा। कोई माइक्रोस्कोप बनाता है, कोई यहां पे पोल्ट्री फार्म चलाता है, कोई कोई खेती करता है, गन्ना उगाता है, ये तपस्वी है देश के, और खाता कोई और है, और खाता कोई और है, और जो खाता है भैया उन वो तो दिखते भी नहीं है। उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री बीमा योजना,
आपके जेब में से पैसा निकलता है, आप देते हो और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोड़ती है। आप सुबह 4 बजे उठते हो, हम 6 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठते हो, 4 बजे उठने के बाद आप काम शुरू करते हो, आपके साथ खेत में आपके इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरा परिवार काम करता है, फिर तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, और फिर आप जाते हो बीमा लेने, कहते हो भैया चलो नुकसान हो गया, बीमा का पैसा तो भरा था। पता लगता है इंटरनेट पे आपको कंपनी नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फोन करो कोई जवाब नहीं देगा। आपकी तपस्या कोई और खा गया। जीएसटी के बारे में बताता हूं, मजेदार बात मैंने सुनी। अगर आप चाहे वो मैदा हो गुड़ हो, अगर आप 25 किलो से ज्यादा से कम मैदा गुड़ अपनी दुकान में बेचते हो, छोटे व्यापारी को बात कर रहा हूं, अगर 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो आप पर जीएसटी नहीं। मतलब छोटे व्यापारी पे जीएसटी, अदानी पे जीएसटी नहीं। क्यों? आपने क्या गलती की? अगर आप पे लग रही है तो उन पे लगनी चाहिए, अगर उन पे ना लगे तो आप पे ना लगे। किसान आए हमारे पास एमएसपी की बात की। हिमाचल प्रदेश में मैंने आज अखबार में पढ़ा, सेब का पूरा व्यापार एक उद्योगपति के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाएंगे, पूरा का पूरा सेब का व्यापार उसी उद्योगपति के हाथ में। नहीं, नहीं हुए भैया, क्योंकि शहीद जो होता है उसको शहीद का दर्जा मिलता है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने बात उठाई, कांग्रेस पार्टी ने बात उठाई कि भैया ये 700 लोग शहीद हुए हैं, इनका नाम तो ले लीजिए पार्लियामेंट हाउस में, शहीद का दर्जा तो दे दीजिए। प्रधानमंत्री कहते कोई शहीद नहीं हुआ, हमने मौन करा दिया वहां पे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भैया हम तो मौन करेंगे, स्पीकर गुस्सा हो गया मुझसे। कहते देखिए पार्लियामेंट हाउस में जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट मौन नहीं रखा जा सकता है, हम जानते हैं कि शहीद हुए, उनके परिवार जानते हैं कि शहीद हुए, हिंदुस्तान की सरकार नहीं जानती, उनके लिए नहीं शहीद हुए। मगर वैसे मैं उनकी बुराई इतना नहीं करना चाहता, वो करने जो कर रहे हैं करने दो उनको। मैं क्या चाहता हूं कि जो तपस्वी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, जो वो तपस्या करे, गीता में लिखा है। क्या लिखा है गीता में तपस्या के बारे में बताइए भैया, आपसे ले रहा है, तपस्या करो और फल मत देखो। मगर गीता में यह नहीं लिखा है कि तपस्या करो और फल नहीं मिलेगा। तो गीता में लिखा है तपस्या करो और यह देश तपस्या कर रहा है, और इस देश की सरकार को उस तपस्वी की मदद करनी चाहिए, उस तपस्वी की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। यात्रा का यही लक्ष्य है, यात्रा का लक्ष्य यह है, यात्रा देश को यह बता रही है कि आपकी तपस्या
जाया नहीं जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इनको इनकी तपस्या का फल मिल जाएगा, उस दिन इस देश के सामने कोई देश नहीं खड़ा हो सकता है। ये आप अपने मोबाइल फोन के पीछे देखो, इसमें लिखा मेड इन चाइना। पुलिस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, माइक्रोफोन के नीचे मेड इन चाइना। तंग आ गया हूं मैं मेड इन चाइना से, जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं कि वहां पे बीजिंग में एक चाइना का युवा फोन देखे, उसमें लिखा हो मेड इन कुरुक्षेत्र। ले, ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं। और जो कुरुक्षेत्र में जिसने माइक्रोस्कोप बनाया, सॉरी अंबाला, जिसने अंबाला में माइक्रोस्कोप बनाया, उसके जेब में चाइना के युवा के पैसे आए, ये चाहता हूं मैं। तो मगर सबसे पहला कदम डर और नफरत को मिटाने का है। देखिए, हरियाणा में युद्ध हुआ था, पांडवों ने डर और नफरत को मिटाने का काम किया था। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मेरा नारा नहीं, उनका नारा है, ये पांडवों का नारा है, ये पांडवों का नारा है, ये भगवान राम का नारा है, ये इस देश का नारा है, और हजारों सालों से ये नारा चल रहा है। ये कुछ नया काम नहीं किया मैंने। आखिरी बात कहना चाहता हूं और ये आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, जब भी मैं चल रहा हूं, जहां भी मैं जाता हूं, राजस्थान में जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते ये। क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। मगर बात मैं जय सिया राम की कर रहा हूं। यहां पे राम राम, राम राम सुना मैंने, राम राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम ये कभी नहीं कहते। इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, कहा हम नहीं कहेंगे। ये हमारी हिस्ट्री, हमारे संस्कार, हमारे इतिहास के खिलाफ काम किया इन्होंने। और जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ता के सामने आए, उससे कहो तुम जय सिया राम कहोगे, और उससे जय सिया राम कहलवाओ। क्योंकि जितने जरूरी राम थे, उतनी ही जरूरी सीता थी। तो आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज एक कमी रह गई, हमने आज वो जो बीजेपी के लोग करते हैं, देखिए उनके उनके संगठन में महिलाएं तो होती नहीं है, अलाउ ही नहीं है। अभी तक नहीं समझ आया मुझे उनके संगठन में महिलाएं क्यों नहीं है, वो अलग बात है। मगर आज हमने पूरा दिन महिलाओं का कर दिया, तो जो हमारे पुरुष हैं उनको आज थोड़ी मुश्किल हुई, आप अंदर नहीं आ पाए,
आप मिल नहीं पाए तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। और कल दोनों स्त्री और पुरुष का दिन है तो आप सब लोग आ पाएंगे और आपसे मिल सकेंगे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। शुक्रिया राहुल जी। और महिलाओं के इस दिन में सबसे अंत में मैं प्रार्थना करूंगा कुमारी शैलजा जी से कि वो अंबाला के सब लोगों की ओर से, यमुनानगर पंचकुला के सब लोगों की ओर से और हरियाणा के लोगों की ओर से एक मोमेंटो आपको देंगे। बहुत ही सम्माननीय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, मंचासीन हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री उदय भान जी, भाई श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, सीएलपी लीडर पूर्व मुख्यमंत्री भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे अन्य सभी मंचासीन साथीगण, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी, माफी मांगूंगी। यहाँ उपस्थित हमारे सभी बहनों और भाइयों, मीडिया के हमारे साथीगण, मैं केवल 2 मिनट लेकर हमारे सम्मानित नेता श्री राहुल गांधी जी, जो कि देश भर में पैदल यात्रा करके आए हैं, धूल मिट्टी बारिश गर्मी सर्दी सबको झेलते हुए आज 115वां दिन है जो अंबाला में पहुंचे हैं। हम इनका कोटि कोटि स्वागत भी करते हैं और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। हमारे हरियाणा को आपने दक्षिण हरियाणा से शुरू होकर अब उत्तरी हरियाणा में आप आए हैं और कल आप अंबाला को चीरते हुए, हरियाणा को चीरते हुए पंजाब में प्रवेश करेंगे। सिर्फ एक बात, राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है देश को एक सूत्र में बांधने का, नफरत को तोड़ने का, प्यार के बंधन में पूरे भारतवासियों को जोड़ने का, देश में लड़ाई लड़ने का, हमारे इन युवाओं के लिए, इनकी बेरोजगारी के खिलाफ मेरी इन बहनों ने जो घर चलाना होता है, आसमान को महंगाई छू रही है जो, उसके खिलाफ आज राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमारी इन बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ, आज आपने महिला दिवस मनाया, केवल महिलाओं के साथ आपने मार्च किया। हमारे इन युवाओं के लिए, हमारे इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, हमारे किसान हैं, गरीब से गरीब मजदूर हैं, हमारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो 5-5 लोगों को यहाँ रोजगार दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राहुल जी। जो आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई ना केवल नफरत के खिलाफ है, लेकिन आपकी लड़ाई हमारे उन 80% दबे कुचले लोगों के लिए भी लड़ाई है जो बिल्कुल शोषित वर्ग है, और 20% उनके ऊपर जो आज हुकूमत करता है, चाहे वो पैसे की हुकूमत हो, चाहे वो राजनीतिक हुकूमत हो, आपने दिखा दिया है कि आप 80% लोगों के साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, जय हिंद। साहब के पास ले लिया। थैंक यू।